नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का स्पेशल शो पॉलिटिक्स का छोटा रिचार्ज, जिसमें हम दिन भर की जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरें आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश यही वो प्रदेश है जहां पूरा देश इस वक्त नजरें टिकाए बैठा है, नजर इस पर कि क्या कमलनाथ सरकार बच पाएगी। इस बीच कमलनाथ का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस नहीं है लेकिन यहाँ की राजनीति में है। माना जा रहा है कि ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि लोग कह रहे थे कि कमलनाथ कोरोना के बहाने आने वाला विधानसभा का सत्र टलवाना चाहते हैं ताकि उनकी सरकार बची रहे। कमलनाथ ने यह बयान राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने के बाद दिया। आगे कहा, मैंने राज्यपाल से कहा कि कैसे विधायकों को बेंगलुरु में कैद करके रखा गया है, साथ ही उनके इस्तीफों को बीजेपी की एक नेता ने दिया है। यह मजाक है, यह बीजेपी की एक साजिश है। ज्योतिरादित्य के पार्टी छोड़ने पर कमलनाथ ने कहा कि केवल सिंधिया बता सकते हैं कि वो क्यों चले गए, हमारी सरकार स्थिर है और उसे कोई खतरा नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के चीफ व्हिप नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया, उन्होंने राज्य सरकार को अल्पमत में बताया, साथ ही राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर से 16 मार्च को बहुमत परीक्षण की मांग की। इसका भी जवाब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया, कहा राज्यपाल के अभिभाषण और बजट के दौरान विश्वास मत भी हो जाएगा लेकिन ये तभी संभव है जब 22 विधायकों को कैद से मुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश से ही एक और मजेदार खबर आई है, मजेदार इसलिए कि राजनीति जो ना कराए। खबर एक कार्यवाही की है, मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने एक कार्रवाई की है 12 मार्च को पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। सिंधिया पर ग्वालियर के एक आदमी ने आरोप लगाया था कि सिंधिया ने एक संपत्ति के दस्तावेजों में हेरफेर कर 6000 फुट की जमीन का हिस्सा उसे बेचा था और इस मामले में अब सरकार एक्टिव हो गई है। अब लोग इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, माने सिंधिया बीजेपी में गए और MP में पुलिस को अपना फर्ज याद आ गया। बताया जाता है कि सुरेंद्र श्रीवास्तव नाम के आदमी ने यह शिकायत पहली दफा 26 मार्च 2014 को की थी, जिसकी जांच के बाद इसे 2018 में बंद कर दिया गया। अब सुरेंद्र ने फिर 12 मार्च 2020 को आवेदन दिया और उस आधार पर फिर एक्शन शुरू हो गया है। अब सरकार ही बता पाएगी कि इस टाइमिंग के पीछे का असल खेल क्या है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां करीब 7 महीने बाद सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी खत्म कर दी है। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत नज़रबंद किया गया था। हालांकि पूर्व CM उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अभी हिरासत में ही रहेंगे। फारूक का रिहाई के बाद बयान भी आ गया है, उन्होंने कहा वह आज आज़ाद हैं और फिलहाल कुछ भी कहने को उनके पास शब्द नहीं है। उनकी आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक कि हिरासत में लिए गए सभी लोग रिहा नहीं हो जाते। आगे भी बताया कि वो जल्द ही दिल्ली जाकर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। अब बात पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। ट्वीट करके कहा, मैं ये दोहराता रहूंगा कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को नज़रअंदाज करना समाधान नहीं है। अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने दावा किया ये सरकार बेखबर पड़ी है। राहुल ने एक दिन पहले भी कहा था कि कोरोना वायरस की समस्या और अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर प्रधानमंत्री सो रहे हैं। देखिए सरकार इस पर क्या जवाब देती है। आखिरी खबर ऐसी जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जाते रहे हैं, खबर जनसंख्या रोकने के लिए एक सख्त कानून की। तो राज्यसभा में 13 मार्च को ये मांग उठ भी गई। भाजपा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने शून्यकाल में ये मांग उठाई, कहा कि संसद के इसी सत्र में इस संबंध में प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए। यादव ने मांग की कि जिन लोगों की 2 से अधिक संतानें हैं उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। अब देखने वाला होगा कि क्या ये मांग वाकई पूरी हो जाती है आने वाले कुछ दिनों में। बाकी आज के छोटा रिचार्ज में बस इतना ही, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।